गुड मॉर्निंग बच्चों, सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, सेल्फ प्रैक्टिस 1G की शुरुआत हमने कर ली थी। इसका पहला क्वेश्चन मैं कर भी चुका था, आपने मेरे साथ साथ होमवर्क भी बराबर के बराबर आप भी कर रहे होंगे। बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1G, पेज नंबर 23। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिख रखा है, राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है बच्चों, के जो नंबर्स लिख रखे हैं वो वर्ड में लिखे गए और हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, न्यूमरल में लिखना है। ठीक है बेटा, और साथ में कॉमा का भी इस्तेमाल करना है। चलो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में मैं इसका डी पार्ट देखता हूँ। ओके, इसका डी पार्ट ये बेटा है 20 lakh 700 तो बच्चों, इसे सॉल्व करने का हमारा जो तरीका है वो क्या है, हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाते हैं। ठीक है बेटा, प्लेस वैल्यू चार्ट में लेख आना चाहिए, सबसे शुरुआत लेख से करनी है। तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा हो जाएगा और इसी से हम इस नंबर को लिख पाएंगे। ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लेख, इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, मैंने कर दिया है। चलो ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लेख। अब इसे पढ़ना शुरू कीजिए। ये लिख रखा है 20 lakh, 20 lakh है ना, 20 मतलब जो भी होता है, तो ठीक इसका अपन ये 10 lakh भी अपन बना लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों 20 यहाँ पर आ गया, 10 lakh और 1 lakh है और 700 का मतलब क्या है कि 1000 के दोनों जो है वहाँ पर आप जीरो कर देंगे और 700 हो गया बस। ठीक है, तो आपका जो नंबर हो गया वो है 20 lakh 700। ठीक है, ये आपका आंसर है। 1,100 के पहले फिर 2 डिजिट को छोड़ करके आपको लगा, तो ये आपका मेन आंसर है। एक बार क्वेश्चन आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। 20 lakh 700 है, हमने प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाया और ये 20 lakh है, तो लेख में 2 कर दिया, 0 कर दिया। आगे 1000 कुछ भी नहीं दे रखा है, हमने 0 कर दिया, सीधे 700। आगे भी इनका 10 है ना 1 से, तो सीधे 0 कर दिया, हमारा आंसर हो गया। बच्चों, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, इसी क्वेश्चन का एफ वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, एफ वाला पार्ट लिख रखा है 7 crore के बाद में है 31 lakh, 5000, इसके बाद में है 809, एक बार इस नंबर को वापस से चेक कर लो, मैं गलत नहीं देख रहा, 7 crore 31 lakh 5809। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने के लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट को बना रहे हैं। ठीक है, तो अब की बार थोड़ा बड़ा लेना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में इस बार जोर से आएगा। ठीक है,
थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लेक, टेन लेक, और इसके बाद में लास्ट में क्रोर। ठीक है, अपन यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं इसको। ठीक है, इस साइड वाला पोर्शन अपन खत्म कर देते हैं। तो अब पढ़ते हैं सेवन क्रोर, तो क्रोर में अपन सेवन कर देते हैं। इसके बाद में थर्टी वन लेक, थर्टी वन थ्री वन किसमें, लेक में, यहाँ पे थ्री कर दिया, इसमें वन कर दिया। इसके बाद में फाइव थाउजेंड, फाइव थाउजेंड मतलब टेन थाउजेंड वाला क्वेश्चन आपका जीरो हो गया और थाउजेंड में अपन ने फाइव लिख दिया। ठीक है बेटा, फाइव थाउजेंड हो गया, एट हंड्रेड नाइन, एट हंड्रेड में एट कर दिया और सीधे नाइन है, टेन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ जीरो कर दिया और यहाँ पर हो गया नाइन। ठीक है बच्चों, सीधे इसका आंसर लिख लेते हैं, सेवन क्रोर कॉमा करके थर्टी वन लेक, फिर आगे फिर कॉमा लगा दिया, आगे जीरो करके फाइव, फाइव थाउजेंड, फिर एट हंड्रेड और इसके बाद में नाइन। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसके बाद मैं ब्लैक बोर्ड को रफ करता हूँ। अब इसके बाद अपन इसका एच वाला पार्ट देख रहे हैं, थ्री क्रोर सेवन थाउजेंड एटीन। ठीक है बच्चों, फिर से अपन लोग प्लेस वैल्यू चार्ट बना देते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में आप देखिएगा, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड, इसके बाद हो गया टेन थाउजेंड, इसके बाद हो गया लेक, इसके बाद हो गया टेन लेक, और टेन लेक के बाद हो गया क्रोर। ठीक है बच्चों, अब नंबर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखना था थ्री क्रोर, तो क्रोर के तो अपन थ्री लिख देते हैं। इसके बाद सेवन थाउजेंड मतलब टेन लेक कुछ भी नहीं है, टेन थाउजेंड भी नहीं है, सीधे सेवन सिंगल डिजिट है ना बेटा, तो ये थाउजेंड नंबर लिख लेते हैं। और इसके बाद में एटीन, एटीन मतलब हंड्रेड भी कुछ नहीं, एटीन मैंने वन एट होता है, वन टेन में कर दिया, एट वन में कर दिया, तो आपका आंसर हो गया थ्री क्रोर सेवन थाउजेंड एटीन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब याद है आप नोट कर लीजिए, अपन अगले एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं बेटा। बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस वन एच पर आते हैं, पेज नंबर 24 पर आ जाइए और बच्चों अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर वन पर आता हूँ, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ एट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। पहले क्वेश्चन में हमें कुछ न्यूमरल्स दे रखे हैं और इनमें से हमें हर एक के प्लेस वैल्यू निकालनी है एट की, हर एक का। ए वाला पार्ट देखें, बड़ा आसान है प्लेस वैल्यू निकालना, कोई इसमें मुश्किल वाला काम नहीं है। 58,397, तो इसका सीधा आंसर है, जैसे हमें एट की प्लेस वैल्यू निकालनी था तो सीधे एट ले लीजिए और उसके बाद में कितना जीरो है, ट्रिपल जीरो, 8,000, ये इसका हो गया प्लेस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको डी वाला पार्ट इसका बताता हूँ। डी वाला पार्ट क्या करेगा बेटा, 48 लेक, इसके बाद में बेटा 59,000, इसके बाद में बेटा 326। नंबर दोबारा इसे चेक कर लेते हैं और इसके बाद में इसका आंसर लिख लेते हैं। आप सबको छोड़ दीजिए सीट एक पर आ जाइए और एक की जितनी भी डिजिट है वो सबको जीरो लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, एट लेक हो गया। लास्ट आपको मैं इसका ई वाला पार्ट करवा देता हूँ, ई वाला पार्ट हो गया बेटा 8 crore 73 लेक, 21,000,
इसके बाद में है 8 crore 70 lakh 21,009। इसका आंसर देखते हैं सीधे, और कोई दूसरा ही नहीं, 8 crore बस सब जीरो कर दिए। ठीक है, तो इस ये होती है बच्चों इनकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों आप लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है वो अपन देखते हैं। आप ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन 1, मैं तब तक ब्लैक बोर्ड को रफ कर देता हूँ। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें कोई नंबर नहीं दे रखा है, ऑल द नंबर्स, ऑल मतलब सारा। ए पार्ट देखते हैं इसका, ए पार्ट क्या लिख रखा बेटा, 29 lakh। इसके बाद में है 75,000। इसके बाद में है 384। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। आप सीधे से ही पहले से शुरू कीजिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। बाकी सब जीरो, ये हो गया बेटा 20 lakh। ठीक है, इसके बाद में अगला ले लीजिए प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इक्वल टू, ये आपका हो गया 9 lakh। ठीक है, अगले डिजिट लीजिए 7। ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 ये हो गया बेटा आपका 70,000। इसके बाद में आपका हो गया प्लेस वैल्यू ऑफ 5। ये हो गया बेटा 5,000। इसके बाद में अगला है बेटा प्लेस वैल्यू ऑफ 3। ये क्या निकलता है बेटा 300। इसके बाद में बेटा ए प्लेस वैल्यू ऑफ 8। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या हो गया बेटा 18। और लास्ट में 4 है ना, प्लेस वैल्यू ऑफ 4। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन का जो भी पार्ट है वो बिल्कुल इसी की तरह कैसे नोट कर लीजिए। अब मैं ब्लैक बोर्ड को रफ करके अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 sevens इन 37 lakh 29,718। तो बच्चों ये कह रहा है डिफरेंस क्या है। अब इसमें 2 sevens का मतलब इसमें 7 दो बार है, एक तो 37 lakh में 37 lakh आ गया, एक 700 आ गया, तो 2 sevens है। इन दोनों की प्लेस वैल्यू निकालनी है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है बेटा, चलो तो क्वेश्चन आप अपने बुक से लिख दीजिएगा, मैं इसका जो सोल्यूशन है वो आपको करवा दूँगा। ठीक है, हमारे पास में क्या गिवन है बेटा 37 lakh 29,000 और इसके बाद में 780। ठीक है, तो अब इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 2 sevens है ना, तो प्लेस वैल्यू एक को फर्स्ट नाम देते हैं तो सेकंड नाम देते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 या फर्स्ट 7, पहला 7 इसमें जो है ना उसकी अपन प्लेस वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है बेटा, तो वो क्या हो जाएंगे 7
लेकिन बाकी सब जीरो आ गए। और इसके बाद में अगला बच्चों नेक्स्ट वैल्यू ऑफ सेकंड सेवन, ठीक है, दूसरा सेवन यहां पर है तो दूसरे सेवन की जो प्लेस वैल्यू है वो देखिए क्या निकलती है। सेकंड सेवन इज सेवन के बाद में दो डिजिट है 700 आ गया। नाउ हियर डिफरेंस या नाउ डिफरेंस, तो अब आप देखिएगा डिफरेंस में क्या करना है, सबट्रैक्ट कर दीजिए बेटा, सेवन लेख माइनस 700, ठीक है, सबट्रैक्शन कर लीजिए, रफ में करना सबट्रैक्शन, ठीक है, सेवन लेख है बेटा और दूसरा ले रखा है 700, ठीक है, यहाँ माइनस कर देते हैं, जीरो में से जीरो गया जीरो बचा, जीरो में से जीरो गया जीरो बचा, जीरो से सेवन जाता नहीं, यहाँ सेवन अलग में बोल रही है तो टेन हो गया, टेन में से सेवन गया बचा थ्री, फिर यहाँ पर नाइन बच गया क्योंकि तो एक इसको उधार लिया, फिर इतना बढ़िया नाइन यहाँ पर, ये भी नाइन बचा क्योंकि अभी तक उधार हम आगे पास कर रहे हैं, ये एक इसके जरिए नाइन हो गया, इसे टेन माना और टेन के बाद में ये जीरो तो क्या देगा किसी को, तो इस वजह से एक वन वहाँ से बोर लिया फिर वापस इसको रख दिया, इस वजह से ये नाइन नाइन यहाँ भी रहेगा, फिर ये हो जाएगा लास्ट में सिक्स, तो सिक्स ले 99,300 इसका आंसर है, सिक्स ले 99,300, ठीक है बच्चों, यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक बार वापस से आप लोगों को एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ, हमारे पास में एक नंबर दे रखा है 37,29,700, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें 7 दो बार है तो हमें इन दोनों की जो प्लेस वैल्यूज है उनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है बेटा, तो पहले 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 700, दूसरे 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 700, अब इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो गया 7 लेख माइनस 700 तो आ गया 6 लेख 99,300। आप नोट कर लीजिए बच्चों क्वेश्चन, इसका आंसर भी नोट कर लीजिए, मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द न्यूमरल्स, ये दे रखा है हमें, एक न्यूमरल दे रखा है और इसमें एक 8 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो निकालना है, बड़ा आसान है, प्रोडक्ट मैंने मल्टीप्लीकेशन, तो हमारे पास में इसका क्वेश्चन नंबर 5 आप बुक में से नोट कर लीजिएगा, अब इसका सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ, तो हमारे पास में जो गिवन है वो क्या है, गिवन नंबर 5,00,80,764, ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें जो फेस वैल्यू निकालनी है 80, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ ए फेस वैल्यू वही होती है, इसके बाद में प्लेस वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, ये है ना बेटा, यहां से शुरू करने से जीरो कर दीजिए 80,000 हो गया, ठीक है, देयर या नाउ देयर प्रोडक्ट, नाउ प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा 8 into 80, ठीक है, बड़ा आसान मल्टीप्लीकेशन है, आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, 8 से क्या होता है 0 को सब भूल जाओ, 8 से 64, अब सीधे 0 यहाँ 0 के लिए 1 2 3 4 जिन लगा एक 3 में 100 आ जाएगा, ठीक है, तो 6,40,000 इसका आंसर आता है, ठीक है बेटा, दैट्स इट।
नोट कर लीजिए ध्यान तक। अब आप लोगों को मैं होमवर्क करवा देता हूँ, नोट कर लीजिए, मैं ब्लैक बोर्ड को रफ करता हूँ। बच्चों अब आज का होमवर्क आप नोट कर लीजिए। आज का होमवर्क है सेल्फ प्रैक्टिस 1G के क्वेश्चन नंबर 2 का बी सी और डी। ये आप अपने होमवर्क में करके लेंगे। और सेल्फ प्रैक्टिस 1H है, इसमें क्वेश्चन 1 में जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए थे वे सभी करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। इतना आज का होमवर्क है बच्चों। आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे अहेड।